आजादी की लड़ाई आजाद हिंद फौज बनाई थी। भारत माता सपूत निडर सबको सही दिशा दिखाई थी। सुभाष चंद्र बोस एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे नेताजी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनका जन्म कटक में 23 जनवरी को 1897 को हुआ था। पिता जानकीदास कटक में प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती था। सुभाष ने कटक और कलकत्ता में शिक्षा ग्रहण की। वे बचपन से ही मेधावी थे। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की, परंतु उन्होंने अंग्रेजी शासकों के अधीन नौकरी नहीं की। उन्होंने कांग्रेस से जुड़कर अपने कार्यक्रमों में भाग लिया। 1938 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, परंतु गांधी जी से मतभेदों के चलते उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल का गठन किया। देश की आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह उनका प्रसिद्ध नारा था। दुर्भाग्यवश 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। देशवासी आज भी अपने नेताजी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। धन्यवाद। भारत माँ का लाल था वो, दुश्मन का काल था। नाम था नेताजी मगर टट्टी माँ का बाल था। तुम दे दो खून मुझे आजादी मैं दिलवाऊंगा, तुम दे दो खून मुझे आजादी मैं दिलवाऊंगा। भारत माँ का आम की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारत माता आम की खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। वो और कोई नहीं नेता बोस हमारा था, नेता बोस हमारा था। धन्यवाद।